friends, Arun Ecos. Today in this video, I'm going to discuss about should you buy OnePlus 5 or not, or you should change from OnePlus 3 or 3T. So let's get started. So friends, सबसे पहले आपको ये बता दूँ, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये इंडियन वीडियो है, सिर्फ ओनली सिर्फ इंडिया के लिए है. और आप ये इसलिए देखते भी देखने की है, ये इंडियन वीडियो है, क्योंकि जो मैंने ज़्यादातर व्यूज हमें क्रिकेट स्टूडियो में देखे हैं वो ज़्यादातर व्यूअर्स में यूनाइटेड किंगडम्स के हैं, और सब्सक्राइबर 50% मेरे यूनाइटेड किंगडम्स के हैं. इंडिया के तो कम है, इंडियन पता नहीं क्यों उनको इतना हमला है, यूनाइटेड किंगडम्स वाले लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. सो बढ़ते हैं अब OnePlus 5. OnePlus 5 अपन, अगर आपका आप अगर एक नए OnePlus के कस्टमर हैं, अगर आप सोच रहे हैं OnePlus 3T लेने की, और जब अगर आप OnePlus 3 या 3T लेने की सोच रहे हैं, तो आप वो काम बिल्कुल मत कीजिए. OnePlus 3 या 3T की जगह आप अगर 3T ले रहे हैं तो 2000 रुपये और लगे 5 ले लीजिए, 64GB वेरियंट वाला जिसमें 6GB रैम है, और 4000 रुपये और मिला के आप ले सकते हैं 128GB रोम और 8GB रैम वाला मॉडल. मेरे को पर्सनली 8GB रैम वाला मॉडल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि 6GB रैम तो OnePlus 3T में भी थी, और आपको मिलेगा इसमें स्नैपड्रैगन 835 आपको OnePlus 3 या 3T में मिलता था, आपको स्नैपड्रैगन 821 कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और अगर आप एक बहुत बड़े गेमर हैं, जैसे मैं बहुत गेम खेलता हूँ, तो मेरे पास है एक OnePlus 3T, तो मैं उसको चेंज करने की सोच रहा हूँ, और फिर मैं OnePlus 3T का गिव अवे करने की सोच रहा हूँ. गिव अवे का भी आ जाएगा आप लोगों के पास जब भी 1-2 महीने में मैं OnePlus 5 लूंगा. तो OnePlus 5 की अनबॉक्सिंग पहले डाल दी, OnePlus 5 मैंने एक ले लिया है, तो वो मेरे भाई ने मेरे को वीडियो सेंड की थी, मैंने वो डाल दिया, आपको वीडियो नीचे मिल जाएगी थोड़ी मेरे बाकी वीडियोज में. तो अब आप देख लें, आपको OnePlus 5 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप एक फ्रेश कस्टमर है OnePlus के, तो आप OnePlus 5 ही लें, OnePlus 3 या 3T की तरफ नहीं देखें, क्योंकि उसमें मिलता है आपको 835 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, जो काफी अच्छा है, GPU काफी अच्छा है. आपको 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 एक और चीज उसमें मिलती है, आपको मिलता है ड्यूअल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और एक और आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का और कैमरा, और इसमें ऑटो फोकस है. लेकिन अपन को इसमें जो मेन 20 मेगापिक्सल कैमरा है वो आपको पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए आएगा, मतलब एक तरीके से आपका भीड़ में खड़े हुए हैं वो अच्छे खासे ब्लर कर देगा आपके ऐप को, ढंग से फोकस करेगा आप फोकस के, हम लोग जो प्रॉब्लम बताते हैं, और जो मेन कैमरा है वो तो मेन कैमरा के जैसे करेगा, लेकिन जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ, शानदार लग रही है मेरे को उसकी कैमरा परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरे भाई ने ले लिया तो उसने मेरे को दिखाया भी था, मुझे काफी मेरे को सही लगी कैमरा परफॉर्मेंस. मैं एक और वीडियो आने की कोशिश करूंगा कि कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, कि एसेट्स अच्छी नहीं, और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो एसेट्स फास्ट है, अभी तक जितने ही फोन मैंने देखे उनमें सबसे फास्ट मेरे को इसका ही लगा है, OnePlus 5 का, OnePlus 3T से ही फास्ट है, OnePlus 5 को 0.01 सेकंड लगता है अनलॉक करने में, एकदम फास्ट एंड स्मूथ है, और 8GB रैम के जैसा बहुत स्मूथ है, आपको 6 GB रैम उसमें अवेलेबल मिल जाएगी. और एक और बात, अगर आप OnePlus के पुराने कस्टमर हैं, आपके OnePlus 1 है, 2 है, X है, अगर जब चेंज करने की कर रहे हैं तो जरूर चेंज करिए. और लेकिन अगर आपका OnePlus 3 या 3T है और वो अच्छी खासी कंडीशन में है, चल रहा है सही, जैसे मेरा मतलब सही चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी चेंज कर दूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं चेंज करना, लेकिन अगर आपके OnePlus 3 या 3T है तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रहेगा चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर आपके OnePlus 3 या 3T है ना, आपको 2GB रैम और पूरा और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, तो इससे बढ़िया आप ले लीजिए, आप वो यूज करिए, एक साल बाद जब नया OnePlus लॉन्च होगा, OnePlus 1 या 150 बाद OnePlus 6 या कोई भी और, आप जब चेंज करिए. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन थम्स अप. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Don't forget to subscribe my channel because I am giving you more tech videos daily. And guys, last thing, बहुत लोग बोलते हैं मैं DSLR से recording क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो guys ये वही नया वाला DSLR है, लेकिन मेरा जो पुराना वाला DSLR है उससे recording कर रहा हूँ ये वीडियो, बाकी recording मैं सही करता हूँ. कुछ कुछ videos में जब भी डिस्टर्ब होता है मेरा और काम आता है, जैसे कि अभी ये आप देख सकते हैं इसे वायर से कनेक्टेड है, तो अभी कॉपी मार रहा हूँ उसमें वीडियो पुरानी वाली, तो इसलिए मैं अपने पुराने वाले से शूट कर रहा हूँ, तो आप ये लोग को समझिए कि मैं DSLR शूट नहीं कर रहा, आपको वीडियो क्वालिटी शानदार आ रही होगी, और ऑडियो क्वालिटी तो आती है शानदार मेरे माइक से. और गाइस एक और थिंग, मैंने अभी अभी राउटर लिया है, मैं सोचा राउटर के लिए अनबॉक्सिंग करेंगे इतनी सी चीज की. सो ये गाइस ये राउटर लिया है, इसका आपको रिव्यू 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, आपको इसका रिव्यू कल तक मिल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो जय हिंद.